और एहतसाब अदालत के बाहर एक बार फिर नवाज शरीफ का कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की, जबकि दूसरी जानिब लीगी कारकुनान ने पंजाब हाउस के बाहर जमा होकर नैब के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरियम नवाज ने ट्वीट में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अदालत रोज रोज बुलवा लेती है। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे तो कारकुनान की बड़ी तादाद पहले ही एयरपोर्ट पर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। नवाज शरीफ की गाड़ी रवाना हुई तो कारकुनान ने अपने लीडर के हक में खूब नारे लगाए। नवाज शरीफ जिंदाबाद। गाड़ी पर गुलपाशी भी की गई। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी थी। एहतसाब अदालत में भी एक बार फिर कारकुनान की जानिब से नवाज शरीफ का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान अपने कायद के हक में नारे लगाते रहे, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतसाब अदालत के अलावा चंद कारकुनान पंजाब हाउस भी पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्याह पट्टियाँ बांध कर नैब के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बार फिर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमें रोज रोज बुलाते हैं। वाज़े रहे कि इमरान खान ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में अपने वकील बाबर आवान पर बरहम होते हुए कहा था कि वो समझे कि उन्हें आखिरी बार अदालत आना पड़ेगा, मगर ये तो आप रोज रोज बुलाएंगे तो बुलाते जाएंगे। बस नहीं, बस मुझे तो बड़ा ही है।